कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू साइड हसलर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है अमेज़ॉन FBM। तो अमेज़ॉन FBM क्या होता है, इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अमेज़ॉन पे आप कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है और मैं रहता हूँ कैनेडा के अंदर। राइट नाउ आई एम ऑन वर्क परमिट। तो मैं अभी अमेज़ॉन से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ वो प्रॉफिट में नहीं, वो ओवरऑल $800 पर मंथ है एवरेज अगर हम लगाएं। तो $800 में मुझे बचता कितना है, वो है $300 to $400 मुझे बच जाता है। तो मैं आपको पूरा अमेज़ॉन FBM का पूरा बेस मॉडल समझाने वाला हूँ कि अमेज़ॉन FBM का पूरा बेस मॉडल क्या है, ठीक है। अमेज़ॉन FBM होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी फुल फॉर्म से। तो अमेज़ॉन FBM की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट का मीनिंग क्या होता है, हम, और फुलफिलमेंट कौन करता है, हम करते हैं फुलफिलमेंट और अमेज़ॉन हमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो आपको क्या करना होता है FBM में, सबसे पहले अमेज़न का आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। जब आप अपना अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद जब आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, फिर आप अपने आसपास लोकल मार्केट में अगर आपको कोई प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है जो अमेज़न पे महंगा बिक रहा है या कोई सेल पे लगा है प्रोडक्ट, आप उसको लिस्ट करोगे। तो अगर आपको ऑर्डर आ जाता है उस प्रोडक्ट का, तो फिर आपको उसको शिप करना होता है। अमेज़न आपको बता देता है कि आपको ऑर्डर आ चुका है और आप उसको शिप करें। तो आपने क्या करना है, तो आप जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो तो आपको प्रोडक्ट बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना होता है कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, क्या आप वो प्रॉफिट में जाओगे कि नहीं जाओगे, कैसे आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको शिप करना है। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। आप शिप किसी भी तरह कर सकते हो। आप शिप कर सकते हो कैनेडा पोस्ट के थ्रू, जो आपके लोकल पोस्ट ऑफिस है वहाँ से कर सकते हो, या आप अमेज़न के थ्रू कर सकते हो। पर्सनली मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ चिटचैट एप्लीकेशन, जो मुझे 74% डिस्काउंट देती है USA शिप करने या कैनेडा में शिपिंग करने के लिए, या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मुझे शिपिंग करनी हो तो फिर मैं चिटचैट एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। जो वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है, वेबसाइट में ID पासवर्ड डाल के अपना साइनअप कर लीजिएगा। जब आप साइनअप कर सकते हो, उसमें आप डायमेंशंस डाल सकते हो। तो आप चिटचैट एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आपको डिलीवरी करनी हो। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मीनिंग यही होता है कि हमें ही ऑर्डर को फुलफ़िल करना होता है, अमेज़न बस इंटरमीडिएट का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न हमें बताता है कि भैया इस कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए जो तुमने लिस्ट किया है, इस प्रोडक्ट ने पे कर दिया है, अब इस प्रोडक्ट को शिप करो। तो आपको ही प्रोडक्ट शिप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अमेज़ॉन की FBM की एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपका बजट कम है और अगर आप न्यू हो, अमेज़ॉन FBM न्यू कर रहे हो और आपको कुछ नहीं पता आपको क्या करना है, तो स्टार्ट विद अमेज़ॉन FBM, ठीक है। FBM में क्या होता है कि आप अगर आपको हफ्ते में 2 ऑर्डर आते तो आप आराम से डिलीवर कर सकते हो उस ऑर्डर को, ठीक है, और आप आराम से बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट पता लग गया कि हाँ ये प्रोडक्ट बिकने वाला है, तो फिर आप उसे बल्क में भी सेल कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट रिसर्च में प्रॉब्लम आती है, तो अमेज़ॉन FBM में ये बेनिफिट होता है, जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे आपको पता लग जाएगा। जब आप 10 से 20 प्रोडक्ट आप डिलीवर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। इससे आपको डिसीजन मेकिंग में पावर मिलेगी और आगे जाके आप अपना प्राइवेट लेबल बना सकते हो और आप सीधा FBA कर सकते हो। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहली डिसएडवांटेज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बाय चांस एक दिन में 50 ऑर्डर या 40 ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है, अगर आपको 40 ऑर्डर पैक करने पड़े तो आपको और बजट चाहिए होगा, क्योंकि अगर आपने 40 लिस्टिंग कर दी, आपने ज़्यादा लिस्टिंग कर दी और आपको 40 ऑर्डर आ गए एक दिन में, इसका मतलब अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हम $20 लगाएं तो अगर आपको 40 ऑर्डर आ गए तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आप मल्टीप्लाई करना, आपको $800 अपनी जेब से पहले खर्च करने पड़ेंगे, फिर आपको प्रोडक्ट बाय करके फिर आपको शिप करना पड़ेगा, फिर आपको 7 डेज बाद अमेज़ॉन से पैसे आएंगे, और हर प्रोडक्ट को पैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो FBM थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए अगर आपको अपना बिजनेस स्केल करना है तो आपको अपना Amazon FBA करना पड़ेगा, अदरवाइज Amazon FBM में स्केलेबिलिटी बहुत कम होती है और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने मेरी वर्कशॉप नहीं ज्वाइन किया, वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिल रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और सबसे पहले मैं आपको थोड़े रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे हो, ये स्टूडेंट्स को ऑर्डर्स आ चुके हैं और कई लोगों की वर्कशॉप की फीडबैक है जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड की थी, हालांकि आप उसकी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।